वहीं हरदा के बेड़ी में सांसद नकुलनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार की जमकर आलोचना की। कृषि मंत्री कमल पटेल को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कमल पटेल ने क्षेत्र में जुआ सट्टा अवैध खनन जैसे कार्यों को अधिक महत्व दिया। नकुलनाथ ने दावा किया कि चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनेगी। 101 वचन दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी आपको झूठी घोषणा करती है। कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ जी आपको वचन देती है और वचन निभाती है कि जैसे ही हमारी सरकार बनती है हम फिर से मध्य प्रदेश के हर एक किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करेंगे।